तो आज का हमारा सफर है महाकालेश्वर से कौसानी तक का। हम द्वाराहाट पहुंच चुके हैं। अब यहां से हम बिंता दूनागिरी होते हुए जो है फिर कौसानी तक जाएंगे, और ये हमारा रूट है। और आगे के बारे में आपको धीरे धीरे ट्रिप में और चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे, जो हमें अच्छा दिखेगा, हमारे मन को लगेगा कि हाँ आप तक वो चीज़ें पहुँचनी चाहिए। सोमेश्वर में प्रवेश कर लिया है हमने। रेखा आर्या जी सोमेश्वर से। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। तो आज हम अपनी रुद्रनाथ यात्रा के बाद पहुंच गए हैं कौसानी, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो वहाँ पर टावर है, टावर के बैक साइड जो है वो बागेश्वर आ जाता है, ठीक है। और जो तलहटी है वो तलहटी है गरुड़, वो सारा गरुड़ का इलाका है, ठीक है। गरुड़ से अगर हम थोड़ा आगे जाते हैं तो ग्वालदम पड़ता है, ग्वालदम जो कि चमोली ज़िले में आता है। और उत्तराखंड में कौसानी एक विशेष महत्व रखता है, क्यों? क्योंकि जो इसकी ये पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, अभी तो बादल लगे हैं, ये बर्फ़ के लिए फेमस है। अभी भी यहाँ बर्फ़ है चोटियों में, लेकिन बादलों के कारण हमें नहीं दिख पा रही है। आप व्यू देखिए कितना दिख रहा है यहाँ से, चमोली जिला भी दिख रहा है, बागेश्वर भी है, ग्वालदम भी है, और उसके बाद गरुड़ भी दिख रहा है। कितना लंबा व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। उत्तराखंड आने वाले काफ़ी पर्यटक कौसानी आते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि कौसानी से हिमालय का व्यू बहुत ही प्यारा दिखता है। और इस और ये देखिए जहाँ पर हम रुके हैं, इस होटल का नाम है सुमित होटल। और सुमित होटल में आने का रहने का फ़ायदा ये है कि इसमें एक एडवेंचर पार्क बना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। वो क्लाइंबिंग का है पूरा, वो रूफ है आपकी, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सेटअप है। उसके बाद इनके यहाँ पर कॉटेज है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है कॉटेज, ये कॉटेज बने हैं 1, 2, 3, 4। और उसके बाद अगर हम इनके रूम देखें तो रूम भी बहुत ही शानदार है, देखिए रूम, ठीक है, ये देखिए रूम, ठीक है, कितना प्यारा रूम लग रहा है देखने से ही। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ बाहर भी एक अच्छा सा व्यू है, हमारे लिए जो है ये ऑप्शन है यहाँ पर बैठने का, चेयर लगी है, हम चेयर पर बैठ के जो है यहाँ का व्यू ले सकते हैं। उसके बाद ये इसकी टॉप फ्लोर है, ये इसका टॉप फ्लोर है, और वो वहाँ पर बोर्ड भी लगा है, होटल सुमित कौसानी बागेश्वर। और इसका ये देखिए अंदर का फेस ये है इसका, ठीक है, इसका वॉशरूम भी जो है वो नीट एंड क्लीन है, पूरा गीजर है, ये है रूम है, ठीक है, ये सारा सब कुछ नीट एंड क्लीन है। सबसे बड़ी बात ये है इस होटल का हिमालयन व्यू, आप यहाँ पर बैठे हैं, आपने यहाँ से चेयर ली, और ये देखिए कितना प्यारा हिमालय का व्यू है, इतना प्यारा व्यू है। तो कौसानी इसीलिए फेमस है, इसीलिए भारत का स्विट्जरलैंड है। तो अभी हम अपनी मैगी काम में लेते हैं, धन्यवाद। तो आज हम पहुंच गए हैं कौसानी, ये है होटल सुमित कौसानी, और ये हमारे संग सर हैं बलवंत सिंह नेगी जी, ये होटल सुमित के ऑनर हैं और कौसानी में जो होटल एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष भी हैं। तो सर से पूछना चाहेंगे, सर कौसानी क्या है? सर्वप्रथम मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ, और मैं
आपका कौसानी आने पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कौसानी एक मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। कौसानी एक बहुत पीसफुल एक सुंदर प्लेस है, एक छोटा हिल स्टेशन है उत्तराखंड का। 365 किलोमीटर का हिमालय यहाँ से दिखता है, रेंज सुबह की सनराइज। मेरे पीछे आप होटल देख सकते हैं, सुमित होटल, 14 कमरों की प्रॉपर्टी है। नीचे एडवेंचर पार्क भी आपको दिख रहा है, वादियाँ यहाँ की वादियाँ, ग्रीन वादियाँ आपको बहुत सुंदर यहाँ से दिखेंगी। आपको यहाँ से ग्रीन वादियाँ दिखेंगी। यहाँ से करीबन 19 किलोमीटर की दूरी पर बैजनाथ धाम है, बाबा भोलेनाथ की नगरी। बैजनाथ और बागेश्वर दोनों बाबा भोलेनाथ की नगरी के नाम से जानी जाती है। बहुत अच्छा दृश्य यहाँ से है, सुबह सनराइज का दिखता है, हिमालय 365 किलोमीटर दिखता है। और बहुत अच्छे यहाँ पर बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी, कुछ जानवर भी यहाँ पर, जंगली जानवर भी देखने को मिलते हैं कभी कभी। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि एक बहुत शांत और पीसफुल एरिया कौसानी, शहर से हटके है। और मुझे 365 किलोमीटर का हिमालय बताया आपको, नैनीताल से 125 किलोमीटर की दूरी पर कौसानी है। इसका नाम मिनी स्विट्जरलैंड महात्मा गांधी जी ने रखा था। और सुमितानंद पंत जो कवि रहे देश के, पूरे वर्ल्ड के, विश्व के नाम माने जाने विख्यात कवि, उनका भी यहाँ पहले स्थान। तो ये देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं ये है सुमित होटल, और सुमित ये बोर्ड है। और ये देखिए यहाँ से व्यू, हिमालय व्यू, सबसे फेमस है कौसानी का हिमालय व्यू। और ये है एडवेंचर पार्क है यहीं पर ही, यहाँ भी आप मस्ती कर सकते हैं। अबे गिलास फोड़ दिया क्या?
जल्दी जल्दी धोया बर्तन। अरे छोटू तेरा पानी ले गया। अबे गिलास फोड़ दिया क्या?